So, hello guys, क्या हाल चाल, क्या बोलती पब्लिक, कैसे है आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड आर्क सर्वाइवल वुल्फ का, आर्क ड्रैगन हंटर का। और गाइस आज जो तीन एपिसोड आएंगे वो ड्रैगन हंटर के होंगे, आखिरी वाले दो एंड गेम वाले एपिसोड ना मेरे भाई लोग। बाकी आज का ड्रैगन हंटर वाला जो एपिसोड है वो यहाँ पे चालू शुरू करने से पहले जो भी बंदा होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जाना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको गेमिंग विद एनी के चैनल की। देखो अपना ड्रैगन हंटर जो ना गाइस वो यहां पे खत्म हो चुका है, आज खत्म हो जाएगा, लेकिन ड्रैगन हंटर मल्टीप्लेयर इज द वो तो चालू है ना मेरे भाई लोग। एनी के और मेरे चैनल पे उसकी वीडियो आती रहेगी, और एनी के चैनल पे दो और मेरे चैनल पे उसकी एक वीडियो आती है। सो गाइस अगर आप लोग को ड्रैगन हंटर मल्टीप्लेयर देखना तो कुछ भी नहीं करना है, नीचे गेमिंग विद एनी के चैनल का लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हो, तो मेरे चैनल पे थोड़ा लेट आप देख पाओगे गाइस। बाकी एनी के 100K कंप्लीट होने वाले, तो जाइए और फटाफट से सब्सक्राइब टू के 100K का गोल कंप्लीट करने में हेल्प कर देना गाइस। बाकी अगर आप लोग को आर्क पीसी आर्क मोबाइल है किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, तो नीचे निट्राडो सर्वर का लिंक मिल जाएगा। निट्राडो पे आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो, तो जरूर चेक आउट कर लेना निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। और गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो ना, तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में एक थैंक्स का बटन है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। तो अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो थैंक्स बटन पे क्लिक करके चैनल को सपोर्ट करने की जरूर कोशिश करना। तो चलिए मेरे प्यार दोस्तों, आज का ड्रैगन हंटर का एपिसोड शुरू कर डालते और मचा डालते एकदम फुल टू, तब भाई ना मेरे भाई। बाकी आप बोलोगे भाई यहाँ पे जो क्रॉप लॉर्ड थे वो कहाँ गए, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया, खत्म हो गया गाइज। एक्चुअली में ये गेम जो है ना गाइज उसमें मेजर अपडेट आया था, अपडेट के बाद सर्वर की बैंड बज गई, और सर्वर की बैंड बजने के कारण यहाँ पे जो पुराने हमारे डायनो जो हमने टेम करते व्हाइट कलर दिख रहे हो, ये व्हाइट कलर में ये डायनोज ना अभी बाहर ही नहीं निकल रहे। जब हम इनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे तो ये बोल रहे कि भाई इंस्टॉल करो मॉड जिस मॉड का ये डायनो, जबकि इस मॉड का डायनो पर पहले से भाई मतलब वो मॉड पहले से इंस्टॉल है। तो मैंने भाई सर्च करा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मेरे आधे से ज़्यादा डायनोज यहाँ पे गायब हो गए, जो व्हाइट दिख रहे हो ये सारे डायनोज गायब हो चुके हैं मेरे, ठीक है। तो मैंने भाई सर्च करा कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई गई अपने साथ, तब मुझे जाके पता चला कि जो मॉड है उसमें अपडेट आया है, और अपडेट के बाद अगर हम लोग को वापस से खेलना है तो हम लोग को पूरा डेटा क्लियर करना पड़ेगा, और डेटा क्लियर करके मॉड अनसब्सक्राइब करो, उसके बाद सब्सक्राइब करो वापस से, और उसके बाद नए डेटा के साथ आप लोग भाई खेल सकते हो। बट सर्वर में डेटा कैसे डिलीट करते हो मुझे पता नहीं है, और अगर मैं मॉड अनइंस्टॉल कर देता हूँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ से गायब हो जाएंगी और सर्वर का सत्यानाशा हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा भाई रहने दो, जो डायनोज गए उनको आप यहाँ पे इग्नोर मार देते, वैसे भी एंडिंग ही चल रही है, और कुछ नए डायनोज को पकड़ते। वैसे आज कौन से डायनो को पकड़ेंगे हम लोग, देखो मैंने भाई यहाँ पे सर्च करा कि एबिस वाले डायनोज स्पॉन हुए कि नहीं, एबिस वाला बुआ फ्रील हुआ है अभी जाके, हुआ ये तो हुआ भी नहीं था, एबिस वाला रॉक ड्रेक ही था। चलो एबिस वाला बुआ फ्रील हुआ है, जो एबिस वाला आना कोंडा नहीं होता है गाइज वो हुआ है। आ जाओ चलो भाई डायनो टेम, एबिस के बाद टैबू पे आ जाओ, टैबू वाला क्या बताओ मेरे को, टैबू वाला भी सांप है क्या, अबे बैसिलिक है ना टैबू वाला, बुआ फ्रील तो आना कोंडा होता है ना, हाँ बुआ फ्रील तो भाई आना कोंडा होता है, कर लेंगे भाई डरे क्या जिम करे भाई, 23-21 बना जाओ, बैसिलिक डेम करेंगे भाई टब्बू वाला, उसके बाद क्या डेम करेंगे बताओ भाई, बड़े बड़े खतरनाक से डायनो बताओ, मैग्मासोर 67-76 आ जाओ चलो भाई, आज ना बचे हुए सारे जो ओपी डायनोज है भाई, टैबू और अपना टैबू और दूसरा कौन सा एबिस, ओनली टैबू और एबिस वाले डायनो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रुको मुझे ना भी आप थोड़ा सा टैबू और एबिस बना दो भाई इसके अंदर भाई, है हेलो ये कब हुआ, अच्छा नए अपडेट में, ये अपडेट में ये सीन हो गया है, इन लोग ने फिर वो हटा दिया, इसमें क्या होता है अभी लगा दो क्या, गेम भी क्रैश ना हो जाए, इसके अंदर क्या बनता है फिर, अच्छा इन लोग ने ये रिमूव कर दी गाइज, ये वाला रिमूव कर दिया जो रिसोर्स सिंथेसाइजर नहीं होता है, जिसके अंदर हम लोग पहले सैडल बेडल बना सकते थे वो रिमूव कर दिया, और इनकी जो स्मिधि है उसी स्मिधि में सारी चीज़ें डाल दी भाई, ये तो खतरनाक ही काम करा भाई तुम लोग ने भाई, खतरनाक काम करा है। चलो इसी बात पे भाई टैबू एक पड़ा भाई दो चाहिए टब्बू मेरे को भाई, एक से काम नहीं होगा, रेयर फ्लावर रेयर मशरूम और रॉक रूट चाहिए ना गाइस, रुको भाई अब भी देता भाई अब भी, अरे मेटल नहीं है क्या,
भाई साहब कैसा मेटल, अरे सच में मेटल खत्म हो गया यार भाई। गरीबी में आटा गिला हो गया गाइस आप पे भाई, गरीबी छा गई गाइस भाई। आज देखो बस गाली गाइस भाई, कैसे कैसे डायनो टेम करता हूँ मैं, एकदम ओपी और खतरनाक वाले डायनो टेम तो करूंगा, और टेम करने के साथ साथ मैं उनको बॉसेस से भी बिड़ा दूंगा भाई। ना भाई तुम भाई उनको भाई फ्लावर तुम दे क्या फायर है, अपन मेटल किधर लेने जाना था फायर के बच्चे। अबे वो आली बाबा की, ये रही आली बाबा की गुफा, ये रही। इस गुफा के अंदर ना 40 चोर तो घुस नहीं सकते, लेकिन अपन घुस के भाई मेटल तो जरूर निकाल सकते हैं। चलो यहाँ से मैं लगभग 10,000 मेटल लेके घर पे जाता हूँ, रेयर फ्लावर रेयर मशरूम बनाता हूँ, उससे टैबो वाले वो पोशन बोल सकते हैं अपन उसको, टेमिंग फूड बनाएंगे, उसके बाद भाई सैडल शैडल बनाएंगे, और उसके बाद बुलटू मजे मजे करेंगे गाइस ठीक है। उन डायनोस के ऊपर बैठ के भाई बॉसेस की बैंड बजा डालेंगे गाइस ठीक है। आ जाओ चलो, आज अगर गाइस ज्यादा डायनोस स्पॉन हुए तो हम लोग जो है ना गाइस, अगर ज्यादा डायनो अगर ज्यादा डायनो स्पॉन हुए तो हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे आज 4 या 5 एपिसोड डाल देंगे, क्योंकि आज तो किसी भी कीमत पे भाई खत्म करना ही करना है भाई। आज तो ड्रैगन हंटर खत्म होके रहेगा ना मेरी बाबड़ी। आ जाओ चलो खाएगा के रबड़ी, चलो आ जाओ फटाफट से भी चलते नीचे भाई अपने घर पे। 11,000 मेडल ले लिया भाई मैंने भाई, इससे अच्छा तो मैं टिपी मार लेता, लेकिन रेन तो अभी पहुंच ही गया हो तो इतने ज्यादा भाई रिमोट विमोट निकालो, उसके बाद वापस वो बटन, अरे अरे कंट्रोल अटक गया, अलग गया लोले, अरे कंट्रोल अटक गया भाई आप, कंट्रोल अटक नहीं गया, अटका तो नहीं है भाई। हेलो, अरे बाप माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करा जा रहा है भाई। अरे रुक जा भाई, अरे बेस की आग भाई, रुको भाई इसकी पर पावर ही निकाल, पावर खींच ले। अबे किधर, अबे फ्लाई, अरे यार व्हाट द हेल, अरे नहीं भाई, अबे भाई भाई अटका तू नहीं ये कंट्रोल भाई, चल क्या रहा है। वाह कंट्रोल नहीं अटका था, कनेक्शन टाइम आउट हुआ था भाई, मॉड ने बैंड बजा दी क्या वापस से सर्वर ऑफलाइन चला गया क्या, पता नहीं भाई कनेक्शन टाइम आउट तो आ गया, रुको देखने दो मुझे भाई। एक तो इस मॉड के ना 17 अपडेट आते एक दिन में, 17 अपडेट भेज के आप, रुको देखने दो मेरे को भाई क्या हुआ अभी। We are back in the game. Yes guys, हम लोग गेम में वापस आ चुके हैं। एक्चुअली में इशू ये हुआ था, मैंने बोला था ना कि इस मॉड के ना दिन में 17-18 अपडेट आते हैं, सो वैसे कैसे एक अपडेट आया था और अपना जो सर्वर चलता है वो ऑटोमेटिक अपडेट पे चलता है, मतलब जैसे अपडेट आया उसी सेकंड पे डायरेक्टली सर्वर पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस सर्वर पे तो भाई लेटेस्ट अपडेट था, लेकिन मेरे जो ना गाइस पीसी के अंदर भाई दूसरा वाला पुराना वर्जन था, उस रीजन से यहाँ पे वर्जन मिसमैच हो गया और कनेक्शन टाइम आउट हो गया। सो मैंने गाइस अभी ऑटोमेटिक अपडेट वाला जो सिस्टम था वो सर्वर से रिमूव कर दिया है, तो अभी वापस से जो ना गाइस जैसे कनेक्शन टाइम आउट नहीं होएगा, वापस से गाइस मुझे यहाँ पे मेटल इकट्ठा करने पड़ेंगे, और मेटल इकट्ठा करके हम लोग टैबू भी कुछ ना बना के निकल लेते हैं टैबू वाले डायनोस को टेम करने के लिए ना मेरे भाई, बोले तो एकदम बुल्डू दवाई, लेट्स गो। रुको गाइस रुको, यहाँ पे भाई मुझे भाई 10-20 हज़ार जो है इस मेटल इकट्ठा करने दो भाई। आज तो भाई जो भी बचे कुछ सारे डायनोज है ना, सारे डायनोज टीम करेगा तेरा भाई ठीक है, आप सारे डायनोज टीम करेगा, बस देखते जाओ वॉच एंड लर्न गाइज। आ जाओ चलो चुपचाप, अबे यार पिछली बार भी ऐसे करा था बैंड बज गई थी ना, इस बार नहीं बजेगी गाइज, इस बार नहीं बजेगी, टेंशन नहीं लेने का भाई। इस बार तो फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन भी नहीं हो रहा है, बस जंप मारे जा रहा हूँ और हवा में भाई भाई लहराए जा रहा हूँ भाई। ये ले भाई सीधा घर पे लैंडिंग। आ जाओ चलो अभी मेटल भाई जो भाई, अरे रुक जाओ रे मेटल तो छोड़ो भाई, मुझे वो कुछ बनाना पड़ेगा ना, रॉकरूट शोकरूट बनाना पड़ेगा ना कहीं जहाँ पे, बनाना ही पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, बना हुआ तो अपने पास है भाई यहाँ पे, ये रहा गाइस रॉकरूट भाई। इसके अंदर जो ना थोड़ा फर्टिलाइजर की कमी पड़ रही है, तो फर्टिलाइजर जो ना गाइस वो भी डालना पड़ेगा मुझे अभी गाइस फटाफट से। ये रॉकरूट यहाँ पे डाल देता हूँ, रेयर फ्लावर और रेयर मशरूम डाल देता हूँ, और भाई फटाफट से ना रुको भाई, रेयर एफएम के डाले यहाँ पे, रेयर फ्लावर रेयर मशरूम भाई ठीक है, ये हो गया रेयर फ्लावर और ये हो गया रेयर मशरूम ठीक है, रेयर फ्लावर रेयर मशरूम यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड उसके बाद अपना काम हो जाएगा 25 भाई ठीक है। बस अभी ये बना ले, मशरूम ही डाले ना मैंने अभी, पता नहीं यार फ्लावर डाले मशरूम डाले मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ठीक है भाई। अभी देखता हूँ भाई टाबू जो ना क्या जो बन रहा है कि नहीं, एक टाबू मेरे पास पड़ा हुआ है, रेयर मशरूम चाहिए भाई ठीक है, रेयर मशरूम ये रहे भाई, रेयर मशरूम पीसी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, हो गया काम। चलो भाई टाबू बन गया कहीं जहाँ पे, हाँ तो चलो लोकेशन वापस से लेने पड़ेगी, क्योंकि सर्वर जब रिस्टार्ट होता है तो लोकेशन ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। सो बताइए जी अबिस वाले कुछ नए डायनो आए क्या, अरे यार वो आना कोंडा भी चला गया यार अबिस वाला तो, ये चलो अरे टाबू वाला कौन था, टाबू बैसिलिक, ये टाबू बैसिलिक मेरे पास तो नहीं है ना, पहले से डेम हुआ ये पता नहीं यार मेरे को, एक ही नहीं चुपा काबरा,
ये चुपाकाब्रा को डेम कर लूँ क्या? टाबू वाला एलो एलो भी है, आर्थ्रू है, कैमुले, मैग्मा सूर है भाई। ठीक है, चुपा पाबरा को डेम कर लेता हूँ मैं भाई, ठीक है आ जाओ। चलो चुपा पाबरा और भाई बैसिली को डेम कर लेते हैं भाई। वन शॉट नॉकआउट भाई, वन शॉट नॉकआउट हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। ये लो चलो आ जाओ भाई। किधर बताओ भाई, लोकेशन किधर है बताओ मेरे को पहले, पहले बताओ लोकेशन है कहाँ पे। पहले वाले की जो लोकेशन है वो 2321 है। अरे भाई कर दी ना, छोटी बात है तो मेरे घर के भाई आजू बाजू है कहीं पे। मैं जा रहा हूँ इसको कहाँ टारगेट एरिया। अच्छा छोटा है क्या? चले भाई चल बैठ जाओ भाई इसके ऊपर, बैठ जाओ। चल बेटा उड़ जा भाई। ये तेरा अभी इसको लुक खतरनाक बना दिया है गाइस। पहले इसके भाई विंग्स के ऊपर रहे पर्पल पर्पल वाले ऐसे आए, जो भी बने हुई चीज़ें ना गाइस वो बनी नहीं थी। अभी इसके भाई विंग्स पे वो पर्पल वाली भाई आउटलाइन भी भाई बना डाली है। मतलब डेली भाई ये एक 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 करके हिस्से अपडेट लेके आते हैं भाई छोटे छोटे से भाई। ठीक है चलो 2321 पे जाना है हम लोग को, 27 पे वो भी भाई। पहले 23 पे उड़ना चालू कर दूँ, उसके बाद 21 पे जाऊँगा। 23 21, ये 23 एंड ये पहुंच गया अपन 21 पे भाई। ठीक है 23 21 एंड हियर वी गो। एक किधर है रे, बस बस कर बस कर। ये रहा नहीं, ये तो बैसिलिक है भाई। भाई उधर जा, उधर जा, यही कहीं पे मिलेगा अपन को 23 21 ना भाई। 23 किधर है तो बताओ, ये मैप ले लें हाथ में। अच्छा इधर भाई, जंगल में मंगल क्या फूल भाई? जंगल में मंगल नहीं भाई, चुम्मी दे देगा डायरेक्टली पीछे। ओ वो 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 उड़ी 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 अरे उड़ी उड़ी जाए भाई, अरे उड़ी उड़ी जाए। टैबू वाले बैसिलिक ने मेरे को चुम्मी दे दी भाई इसके आग। भाई दिखने में काफी खतरनाक था टैबू वाला बैसिलिक। टैबू वाला बैसिलिक बहुत खतरनाक है गाइस भाई। दिखने में भाई क्या लग रहा था, एकदम लालम लाल भाई। भाई ब्लडी मेरी का भाई भाई लग रहा था, चौथा भाई लग रहा था ब्लडी मेरी का एकदम फुल टू ऐसा भाई लाल लाल भाई। रुको 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 जा रहा हूँ वापस से भाई। मुझे भाई यहाँ पे ना अपने पहले तो भाई टेक सूट को रिपेयर करना पड़ेगा और उसी के बाद कैसे हम लोग वहाँ पे जा सकते। रुको टेक सूट को पहले रिपेयर कर लेता हूँ मैं। ओए इसके अंदर भाई डाल दे फटाफट से भाई अपना सारा सामान भाई। एक पटके में उड़ा डाला यार मेरे आर्मर को, मेरे को भी भाई, मेरे आर्मर को और मेरे को दोनों को एक एक पटके में ऐसा उड़ाया ना भाई, क्या बताओ आपको भाई। बहुत गंदी तरीके से उड़ाया भाई यहाँ पे। चलो आज फटाफट से जो ना मैं अभी यहाँ पे अपना आर्मर दिश आर्मर है ना कि जो पहन लेता हूँ और हम लोग चलते गए वापस से यहाँ पे उस बैसिलिक के लोकेशन पे। वो बैसिलिक मुझे ऐसा लगा गया इसकी। अच्छा इधर से ही चलते ना डायरेक्टली भाई, यही कहीं पे गुप्चे में। हाँ यही कहीं पे भाई, यहाँ पे कहीं पे आगे साइड जो ना मिल जाएगा भाई। उसका लुक ना सच में काफी खतरनाक वाला था भाई, रेड कलर ना भाई काफी कूल लग रहा था उसके ऊपर। 23 21 भाई चला जा इस डायरेक्शन में कहीं पे भाई। 23 21 ना। अच्छा यहाँ पे सामने की तरफ कहीं पे है और वो एकदम भाई जंगल में छुपा हुआ था ना, तो दिखाया भी नहीं दिया। और जैसे ही नजदीक पहुंचा अरे जादू की जप्पी और पप्पी मिल गई मेरे को और मेरी पेटी बन गई। संभल के भाई इसकी भी पेटी ना बन जाए भाई, थोड़ा नजदीक से नहीं उड़ना उसके। हाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भाई इसी अमेजोन जंगल पे भाई वो छुपा हुआ है। रुको गाइस इसके भाई रुक जाओ भाई, इसको ना इस अमेजोन जंगल में पकड़ूंगा मैं। संभल के भाई वापस से चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस ना मिल जाए मेरे को भाई, वापस से चुम्बी ना मिल जाए मेरे को। रुको थोड़ा आगे चल ले भाई। अवर क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा मेरी जान। अरे पट से चलना मेरे भाई, बोले तो फुल टू द भाई, लेट्स गो। हो गया गाइस टैबू वाले बैसिलिक को हम लोग ने फाइनली गाइस यहाँ पे। ओए व्हाट इज दिस दिस बैसिलिक जा गोल्ड है, गोल्ड है पट से। चलो आ जाओ गोल्ड को भी कर लेंगे। ए मेरे पास कौन सा बैसिलिक बड़ा भाई जरा मेरे को बताओ। मेरे पास बैसिलिक बड़ा एपिक वाला और भाई ओरिजिनली वोटर वाला पड़ा है। मतलब अपने बैसिलिक आर्मी बन गई यार आज तो गाइस। हैं गाइस आज तो अपनी भाई बैसिलिक वाली आर्मी बन गई भाई। भाई तू टेम हो जाए तेरे को एफएम वाला पोशन खिला देता, हीलिंग पोशन देख रहे हो। बॉस फाइट के लिए इतने सारे हीलिंग पोशन बनाए थे यार। अरे नहीं मैंने कंज्यूम करा दिया जबरदस्ती उसको। ले भाई खा ले तू, ले हो जा टेम। ओ बॉय वाओ भाई खतरनाक है गाइस। मुझे लग रहा है कि आज अपन की जो ना गाइस भाई बैसिलिक जो है ना गाइस आर्मी बन जाएगी भाई। ये भी 405 लेवल का गोल्ड वाला बैसिलिक है भाई। मैं फटाफट से घर पे जाता हूँ और घर से गोल्ड एक बना के लेके आता हूँ भाई। ठीक है भाई आज आपको दिखाऊंगा मैं बैसिलिक आर्मी अपनी भाई। ठीक है अपनी भाई खतरनाक है, किसी बैसिलिक आर्मी तो दिखो जरा भाई। जरा भाई गोल्ड बना ले, गोल्ड 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 भाई। आज आपको बैसिलिक आर्मी दिखाऊंगा मैं भाई। अभी कहाँ पे गोल्ड, ये रहा भाई गोल्ड। ठीक है गोल्ड रहा भाई ये। और बैसिलिक के भाई सैडल बिडल भी बनाने पड़ेंगे मेरे को थोड़े। मेरे पास दो बैसिलिक पहले से पड़े हुए हैं और अबे आज जाके अपन भाई दो और बैसिलिक डेम करके लाएंगे। और हर एक बैसिलिक के पास जो ना कैसे अपनी स्पेशल एबिलिटी है भाई। ठीक है अलग अलग एबिलिटी है हर एक भाई बैसिलिक के पास। चलो आ जाओ फटाफट से चल देगा यहाँ पे और भाई उस गोल्ड वाले बैसिलिक को डेम करके लेके आते हैं। फिर मैं आपको बैसिलिक वाले अपनी आर्मी दिखा देता हूँ। इधर आ भाई
ये गोल्ड खा ले, ठूस ले बेच के आग, और ये भी ठूस ले। हाँ मेरी जान, जेब बात गाइस, तेरे भाई के पास गोल्ड वाला बेसिलिक भी आ चुका है। एक्चुअली मैं इस गोल्ड वाले बेसिलिक को ना, जो हम लोग मल्टीप्लेयर वाली सीरीज कर रहे हैं ना गाइस अपनी ड्रैगन हंटर मल्टीप्लेयर, उसमें मैं टेम कर चुका हूँ गाइस। काफी कूल है भाई ये वाला बेसिलिक, इसलिए मैंने इसको वापस से टेम करा। अभी बात करते कि बेसिलिक का सैडल सिल्वर वाले लगा देना यार सबको, चूना लगा देंगे, इनको थोड़ी पता चलता है सिल्वर वाला लगाया फिर भाई टैबू वाला लगा दिया है। वैसे भी तो बॉस फाइट खत्म ही हो चुकी है अभी तो, भाई कौन से बॉस को हम लोग को मारने जाना है वैसे भी है गाइस। हाँ चलो चलो भाई दो बना ले भाई सिल्वर वाले, इनको थोड़ी पता चलेगा। और मेरे को बता भाई बेसिलिक टोटल मेरे पास कितने वाले, आइए ले भाई चार बेसिलिक है तेरे भाई के पास, चार बेसिलिक, और चारों बेसिलिक को अभी बाहर निकाल के आपको मैं चारों अलग अलग बेसिलिक की यहाँ पे एबिलिटी दिखाने वाला हूँ भाई। ठीक है भाई आज बनाएंगे बेसिलिक आर्मी भाई, ठीक है बनाएंगे नहीं बन गई भाई, बन गई आज बन गई अपनी बेसिलिक आर्मी। बाकी बचे हुए टैबू शब्बू डायनो को बाद में टेम करेंगे। अभी देखो भाई ये भाई गोल्ड वाला बेसिलिक, ये अपना गोल्ड है, गोल्ड भाई 24 कैरेट भाई। उसके बाद ये ओ भाई इसका लुक यार भाई खतरनाक, इसके अंदर से ऐसा ऐसा हवाई निकल रही है भाई, ऐसा गर्म पानी जब आप भाई बना मतलब उबालने के लिए रखते हो पानी तो उसके अंदर से कैसे भाप निकलती है। देखो इसके अंदर से भाप निकल रही है, देख रहे हो दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पे, भाप निकल रहे भाई। टैबू है टैबू वाला ना इसलिए भाई। अगला वाला ये वाला तो इपिक वाला पैसे लेके जिसको मैंने 4 साल पहले डेम करा था। अरे रुक जाओ इसको भाई, अरे यार पत्थर भाई तोड़ दे यार, ये पत्थर मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, सारे बेसिलिक को बाहर निकाल रहे। रुको भाई पत्थर के भाई टुकड़े हजारों कर दे भाई, तोड़ डाल भाई, हम मुझे सीमेंट से बना हुआ है भाई, तोड़ डाल चाहे पत्थर खा ले हो, टूट गया भाई ये पट्ट से भाई। ठीक है और उसके बाद ये बन गया और एक और पट्ट से। हाँ मेरी जान, सो गाइस अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ अपनी बेसिलिक आर्मी। गाइस इस बेसिलिक आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है भाई एक लाइक तो बनता है भाई लोग, ठीक है फटाफट से ठोक डालो अगर नहीं करा होगा तो। ये काफी कूल लग रहा बेसिलिक रे, ये बेसिलिक काफी कूल लग रहा, ये वाला बेसिलिक भी किसी से कम है क्या? ये वाला इपिक वाला है ना, ये इपिक वाले तेरे को मैंने चला के नहीं देखा था क्या? अरे यार ये ले सैडल, रुक जाओ भाई एक और एक्स्ट्रा सैडल लेके आना पड़ेगा गाइस, रुको मैं भाई एक और सैडल लेके आता हूँ। यार मैंने इपिक वाले को चला के नहीं देखा था क्योंकि मेरे पास बेसिलिक का सैडल नहीं था, बाद में जाके मुझे पता चला कि बेसिलिक का कोई भी सैडल भाई डायरेक्टली लग जाता है उनके ऊपर, सिल्वर वाला भी लग जाता है लू टायर वाले जो ना गाइस डायनोस के ऊपर, तब जाके भाई आप अभी हम लोग उसको सैडल लगाने वाले जाके गए। ठीक है चलो आ जाओ, कोई ना भाई कोई ना भाई चलते, और आपको मैं अभी अपनी एकदम ओपी सी बेसिलिक आर्मी दिखाता हूँ और उसकी पावर दिखाता हूँ पावर, ठीक है भाई काफ़ी खतरनाक आर्मी है अपनी, कुछ भी बोलो अपने आर्मी काफ़ी खतरनाक है भाई। ठीक है भाई साहब, भाई सबके अंदर से अभी हवाएं निकल रही है भाई, ये गोल्ड वाले को छोड़ के, गोल्ड वाला जो है ना कैसे थोड़ा सा लो क्वालिटी का है भाई अपना। चलो गाइस सो सबसे पहले ना भाई हर एक भाई, अच्छा पहले लुक देख लो बेसिलिक का, गोल्ड वाले का एकदम फुल टू ना गोल्ड की तरह भाई 24 कैरेट से बना हुआ है भाई, फुल टू भाई गोल्डन कलर। ये टैबू है भाई, टैबू वाला भाई काफी डरावना और खतरनाक लग रहा है भाई, लाल कलर और डार्क रेड कलर के शेल भी लगे हुए हैं। ये पर्पल वाला जो है वो है इपिक वाला बेसिलिक, और ये रहा हमारा ओरिजिनली वाटर बेसिलिक। एबिलिटी देखनी है, हर एक के पास अपने अपने अलग एबिलिटी है, इसके पास बाइट अटैक एबिलिटी है, उसके बाद ये पता नहीं दिवाली के फटाके फोड़ने वाले एबिलिटी, सी पे आसमान से बॉल पानी के, वाटर वाला है ना तो पानी छोड़ता भाई, ठीक है पानी छोड़ता गाइज और कुछ नहीं करता, बस इतनी एबिलिटी इसके पास और कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है ये रहा गाइज अपना बेसिलिक जो हम लोग ने भाई काफी टाइम पहले भाई टेम करा था, उसके बाद ये वाला बेसिलिक पिक वाला, इसको तो चला के नहीं देखा मैंने, इसके पास बाइट अटैक, अरे बाप रे ये क्या छोड़ रहा भाई, ये क्या छोड़ रहा मुझसे बता ना, कुछ तो छोड़ रहा है सीपे। ओए आसमान से भाई बम के गोले तो छोड़े गिर रहे भाई, भाई आसमान से बम के गोले तो छोड़े गिर रहे भाई, खतरनाक है यार भाई तो खतरनाक है, देखना ये देखो आसमान से देख रहे हो कैसे गोले तो छोड़े गिर रहे भाई। भाई ठीक है भाई, ठीक है भाई चलो भाई ये भी देख लेना आप लोग ने, ये भी पुराना वाला पैसे लेके अपना, अभी गोल्ड वाला देख लेता हूँ भाई। ठीक है गोल्ड वाले का डैमेज नहीं हम लोग देखेंगे क्योंकि आपको बताइए इसका डैमेज ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है लो बैठ गया इसके ऊपर, हाँ बता बता भाई बाइट अटैक है, मुझे भाई एक गोल्ड का बॉल फेंक रहा है और जी में गाइस यहाँ पे ओए होए भाई, जो तीन बेसिलिक देखे ना जो कि इससे ज्यादा हाई टायर के थे उनका भाई यहाँ पे जो ना कैसे अटैक इतना कूल नहीं लग रहा था जितना गोल्ड वाले का कूल लग रहा है, गोल्ड के स्टार जमीन पे डायरेक्टली गिरा रहा है भाई, गोल्डन स्टार गिरा रहा है भाई, ये खतरनाक है। चलो चलो अच्छी बात है, अभी देखते गाइस हमारे टैबू बाजी लेके आना मेरे भाई, आ जाओ चलो टैबू बेसिलिक सर हाउ आर यू, कैसे हो मेरे भाई, अटैक ओ भाई अटैक, ठीक है नॉर्मली है नॉर्मली, ले प्लेग
लिख पे पता नहीं मुझसे कुछ तो छोड़ा दिखाई नहीं दिया, क्या छोड़ा भाई? इस एंगल से देख देख क्या छोड़ रहा है मुझसे भाई, ठीक है? ओ लाल गोली, अरे मर गया भाई, भाई उसके ऊपर डाले वो मर गया भाई, इसकी आग भाई डैमेज तो है लग रहा है मेरे को, हाँ डैमेज तो है भाई का, ठीक है सी पे ला 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 ले हो ना मेरे भाई, लाल लाल कलर के आग की गोली, और एक्स पे कंट्रोल पे आर पे क्यू पे, नहीं भाई और कुछ नहीं छोड़ रहा। बाकी गाइस ये बेसिलिक आर्मी के लिए नहीं, यक लाइक द बंदा है, देखो देखो लग रही कि नहीं खतरनाक बताओ भाई, लग रही है कि नहीं खतरनाक बताओ, अपने अलग अलग एनाकोंडास की बेसिलिक्स की आर्मी भाई, ठीक है? अभी जो ना गाइस अपन क्या करते बताइए, टैबू वाले बेसिलिक को, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर इसी के अंदर होगी, टैबू वर्जन है भाई, अभी इस वाला बेसिलिक तो मेरे को मिला ही नहीं है भाई, ठीक है? सो इसको जो ना जब अपन लोग यहाँ पे चला के देख लेते हैं भाई, ठीक है भाई? ज्यादा हेल्थ नहीं करूंगा मैं, 10 मिलियन भाई समथिंग कुछ इसकी हेल्थ कर दूंगा, 10 मिलियन होगी या 10 बिलियन होगी भाई, तेरी हेल्थ कितनी हेल्थ होगी भाई? 10 बिलियन हेल्थ है भाई हमारे बेसिलिक की, हाँ जो थोड़ी सी कमी हेल्थ है, लेकिन गाइस टैबू वाला यार, तो टैबू वाले की हेल्थ इतनी होती है, उससे ज्यादा जो ना गाइस टैबू वाले डायनोस की हेल्थ जाएगी नहीं, ये आपको और मेरे को अच्छे से बताया भाई, ठीक है? चलो आज फटाफट से जो ना गाइस मैं यहाँ पे अभी इनकी लेवल अप कर लेता हूँ, और लेवल अप करने के बाद क्या करेंगे गाइस हम लोग जो है ना यहाँ पे ये जो पोशन है ये इसके अंदर डाल देता हूँ, और चलो अभी लेके चलते हैं अपने भाई इस बेसिलिक को ना यहाँ पे चला के देखने के लिए कि इसके अंदर कौन कौन सी खतरनाक सी पावर्स है भाई, ठीक है? इतना डैमेज एक्चुअली में टैबू वाले डायनोस का जाता नहीं है, और जहां से भी जा रहा है ना पत्थर पत्थर को अगर टच करके जा रहा है ना, सो पत्थर पत्थर जो ना गाइस वैसे ही टूट रहे, देखो 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 उड़ गया भाई, देखो पत्थर भी उड़ेगा, देखो भाई साहब भाई ठीक है चलो, ये तो भाई सारे भाई डायनोस के पास एबिलिटी है, ऐसे नहीं कि बेसिलिक के पास ही है। आ जाओ भाई बेसिलिक से ना थोड़ा सा ऊपर ना तबाही मचा डालते, और देखते कि अपना ये वाला बेसिलिक कितना पावरफुल है गाइस, और अभी तक ये मैक्स लेवल हुआ नहीं है गाइस। ये जमीन के अंदर जाएगा? अरे नहीं यार ये जमीन के अंदर नहीं जाता है, ठीक है बाय अटैक भाई 16 भाई मेरे को लग रहा है 100 भाई मिलियन देगा ये डैमेज भाई, भाई टैप वाले डायनोस इतना ज्यादा डैमेज नहीं दे पाते, बट ये दे रहा है भाई वाला भी एबिलिटी था, आसमान से रेड रेड गोले भाई 45 मिलियन के आसमान से भाई गोले गिर रहे भाई इसके, भाई खतरनाक भाई। हाँ लेकिन थोड़े से कमी भाई 67 मिलियन के गोले गिर रहे भाई, 100 मिलियन इसकी हेल्थ गई भाई, भाई गई इसकी 100 मिलियन हेल्थ। रुको ये देखो, हाँ मैं अभी इसको इम्प्रिंट भी कर देता हूँ, इम्प्रिंट होने के बाद ना इसकी 100 मिलियन हेल्थ जो ना गई तो ईजिली चली जाएगी, देख लेना ये हो गया इम्प्रिंट भाई, ये हो गया इम्प्रिंट भाई, भाई 12.5 बिलियन जो ना गई वो हेल्थ हम लोग ने इस बेसिलिक की कर ली है, देखना भाई इसकी हेल्थ जो ना गाइस 12.5 बिलियन हो चुकी है, और अभी गाइस इस टैबू वाले बेसिलिक को हम लोग लेके जाके देखने वाले इसकी एबिलिटी 77 मिलियन डैमेज। ये थोड़ा कम है यार, ये थोड़ा कम है डैमेज यार, मुझे लगा था इसका 100 मिलियन भाई डैमेज जाएगा, 100 मिलियन क्लब में ये शामिल होगा, बट नहीं यार 78 मिलियन गाइस भाई 78 मिलियन। हाँ बट भाई अटैक दूर तक जा सकता है, देख रहे हो अटैक काफी ज्यादा दूर तक जा सकता है, और हम लोग इन गोलों से जिसको मारना चाहिए उसको मार सकते हैं, देखो देखो भाई कितना दूर मारो बताओ, बस बताओ भाई यार को दूर दूर वाला टारगेट सेट कर भाई, दूर वाले डायनो को ना मैं अपने इस भाई बेसिलिक से मार पाता हूँ कि नहीं देखता हूँ गाइज, देखो दूर वाला, हाँ भाई वहां पे भाई बिच्छू है, बिच्छू को मार, बीच में पत्थर बित्थर ना आ जाए, मरे कहा मर गया, ऊपर लिख गया देखो भाई मर गया, उसकी डेड बॉडी दिखाता हूँ रुको आपको भाई, मर गया भाई डेड बॉडी पता नहीं कहाँ पे चली, ये रही डेड बॉडी, ये देखो ये रही उसकी डेड बॉडी भाई, उसने तुरसी मार दिया भाई, मैंने उसको मार, कारनो को मार, कारनो को मार, कारनो की जीत तोड़ दे भाई, भाई मर गया भाई गाइस, इसका अटैक रेंज ना काफी ज्यादा तगड़ा वाला है भाई, अब पत्थर पत्थर भी तोड़े जा रहा है ये, और प्लस भाई शिवाला अटैक का डैमेज कितना जा रहा है, वैसे ये वाला अटैक का 78 मिलियन मुझे लग रहा है, शिवाला अटैक जो है ना गाइस वो भी मेरा 78 मिलियन का ही जाएगा, वो डैमेज वैसे भाई ज्यादा नहीं जाने वाला है जैसे मेरे को भाई ऐसे मेरे को लग रहा है, इसका भी 78 मिलियन ही डैमेज जाने वाला है, कर भाई डालना गोले, यार गोले किसी को लग ही नहीं रहे मेरे भाई, गोले मेरे किसी को लग ही नहीं रहे, क्या करूँ डाल के भाई, डाल के क्या करेगा गरीब इंसान, लगा भाई ना 83 मिलियन का डैमेज जा रहा है गाइस मेरे गोले वाला अटैक का भाई, ठीक है? और गोले वाला अटैक का डैमेज जो रहेगा जो सबसे ज्यादा हाई है, बाकी जो भाई मुझे आपके गोले रेड कलर के छोड़ने वाला अटैक और बाइट वाला अटैक जो है वो 78 मिलियन का डैमेज दे रहा है, सही है चलो नॉट दैट बैड गाइस, मुझे काफी तगड़ा लगा गाइस इसका डैमेज, और इसका लुक जो है गाइस वो भाई उससे भी ज्यादा तगड़ा है, पानी में इसकी मूवमेंट स्पीड कैसे रहेगी, अरे यार मुझे लगा था पानी में तो एकदम तेज हो जाएगा,
भाई पानी में तो भाई कनखुजरी की तरह लग रहा है भाई, अजीब ही फील हो रहा है भाई इसको देख के पानी में भाई, सच में भाई अजीब ही लग रहा है ये भाई साहब, लेकिन काफी कूल है गाइस। चलो अभी इसको लेके ना फटाफट से गाइस हम लोग घर पे चलते हैं और गाइस स्पेसिफिक आर्मी वापस से आपको दिखा देता हूं और आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मैं बोलेंगे यार इतना छोटा एपिसोड। हाँ गाइस अभी जो एपिसोड आएंगे ना उसमें हम लोग एक एक दो दो डायनो टेम करके जो ना गाइस एपिसोड का द एंड करेंगे। आज के इस एपिसोड में भी तो अपन ने दो डायनो टेम करे और साथ में एक बहुत ज्यादा बड़ी वाली बेसिलिक की आर्मी भी तो बनाई है गाइस। है मजाक हो रहा है क्या, ये बेसिलिक की आर्मी हमारी किसी से कम है क्या? देखो ये देखो लग रही है ना खतरनाक, लग रही कि नहीं खतरनाक है? अपनी बेसिलिक की आर्मी बताओ, ये देख रहा गाइस ये अपनी बेसिलिक की आर्मी, जिस आर्मी में चार खतरनाक और पावरफुल वाले बेसिलिक है। बाकी आप बताना आपको गोल्ड वाला, टैबू वाला, इपिक वाला और ओरिजिनली वाला, चार बेसिलिक में से कौन सा वाला बेसिलिक सबसे ज्यादा ओपी कूल और गाइस सबसे हाई डैमेज देने, हाई डैमेज वाला तो टैबू ही वाला है। बाकी आप बताना आपको कूल कौन सा वाला और लुक वाइज कौन सा अच्छा बेसिलिक लगा इन चारों बेसिलिक में से। सो गाइस इसी गाइस बेसिलिक आर्मी टेमिंग के साथ ये वाला एपिसोड जो ना गाइस हमारा आज का आर्क सर्वाइवल द बॉल का, आर्क ड्रैगन अंडर का ये भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं आर्क ड्रैगन अंडर के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। Late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were